कंडाघाट का रेलवे स्टेशन बेहद खास है, जहां आज भी अंग्रेजों के समय की मशीनें मौजूद हैं। इन मशीनों से ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक संदेश भेजे जाते हैं। इसी तरह की मशीनें कालका से शिमला तक के स्टेशनों पर देखी जा सकती हैं। यही कारण है कि कालका शिमला रेलवे लाइन का विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इन मशीनों को देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। जब ट्रेन कुछ देर के लिए स्टेशनों पर खड़ी होती है तो पर्यटक इन मशीनों को देखकर अपना ज्ञान वर्धन करते हैं और इस प्रणाली को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। स्टेशन मास्टर दिनेश शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कालका शिमला रेलवे लाइन जिसे विश्व धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है, यहां अंग्रेजों इसमें जो मशीनें स्थापित की गई थी उन्हीं मशीनों पर आज तक कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन 1903 में स्थापित की गई थी, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसे आज तक चालू हालत में रखा गया है। और यही वजह है कि यहाँ पुरानी मशीनें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसे देखकर सभी हैरत में पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट कंडाघाट में। कालका शिमला एक हेरिटेज सेक्शन है जो यूनेस्को से अभी हुआ था सन 2007 में, और ये जो है आपका कंडाघाट कालका शिमला सेक्शन के बीच पड़ता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसे स्टेशन पे काम कर रहा हूँ जहाँ हेरिटेज सेक्शन है। और ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी वर्किंग आप देख रहे हैं, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट से चला रहा है झुका तू, और काफ़ी पुराना है और टोटल सेफ वर्किंग है इसमें। और आप देख सकते हैं कि जैसे आजकल बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, अभी न्यू ईयर पे तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अभी फिर दोबारा छुट्टी पड़ने वाली है स्कूल्स की वगैरह की, तो काफ़ी टूरिस्ट अभी आ रहे हैं। और कुछ ट्रेनें भी काफ़ी चला दी गई हैं, सिर्फ एक दो ट्रेन है जो अभी नहीं चली कोरोना के चलते हुए, अदरवाइज काफ़ी ट्रेनें अब चला दी गई हैं।